उत्तराखंड में बढ़ा गर्मी का प्रकोप, बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस बीच उत्तराखंड से आ रही ये बड़ी खबर, हरिद्वार में भी टूटा 3 साल का रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी। मैदानी क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने की संभावना। गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और गर्मी ने इस बार अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैदानी क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उत्तराखंड में बढ़ा गर्मी का प्रकोप, हरिद्वार में भी टूटा 3 साल का रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी। हरिद्वार में भी इस बार यहाँ पहुंचने वाले पर्यटकों को और तीर्थ यात्रियों को जो है भारी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी कैलाश जोशी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। कैलाश, ये बताएं कि जो पारा है वो किस तरीके से बना हुआ है, टेम्परेचर कितना ऊपर नीचे आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं 3 साल का रिकॉर्ड टूट गया है गर्मी का। देखिए गायना, बिल्कुल गर्मी जहाँ एक और जो है यहाँ पर गर्मी चल रही है, वैसे ही यहाँ उत्तराखंड में जो जंगल है वो भी धू धू कर जल रहे हैं। कहीं भी जो है राहत की सांस देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि एक तरफ से गर्मी का प्रकोप है, दूसरी ओर जंगलों में आगजनी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर इसी बीच जो है हरिद्वार में भी जो है लगभग 3 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया है। मसूरी की बात करें तो मसूरी में तापमान बढ़ता हुआ नजर आया है। अगले 24 घंटे में जो अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर जो है इस वक्त जो है मैदानी क्षेत्रों में तमाम इतनी तेज रफ्तार से जो हवाएं चल रही हैं, बिल्कुल लू का भयंकर रूप धारण कर रखा है। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने जो यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया है उसमें 42.5 डिग्री तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून शहर में 40.2 डिग्री तापमान यहाँ पर जो है नोट किया गया है। लेकिन इस वक्त जो मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग के हिसाब से मैदानी क्षेत्रों में जो है गर्म हवाएं चल रही, गर्म हवाओं के साथ लू चलने की जो है संभावना यहाँ पर मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। लेकिन कहीं न कहीं मौसम यहाँ पर इस प्रकार बन रहा है कि बारिश होने को जैसा मौसम यहाँ पर बन रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। एक तरफ गर्मी का प्रकोप यहाँ पर लोग झेल रहे हैं, दूसरी ओर जो जंगलों में आगजनी हो रही उससे भी तापमान में जो है बढ़ोतरी हो रही है। कायना जी, कैलाश, जैसे आपने बताया कि 40 से 42 डिग्री के बीच जो है वो टेम्परेचर बना हुआ है, कितनी वृद्धि आप देख पा रहे हैं कि इसमें हुई है? अगर बीते कुछ वक्त की बात करें, 3 साल बीते साल की बात करें, 3 साल पहले के तापमान की, इन दिनों में कितना जो है टेम्परेचर वो था और अब कितना रिकॉर्ड जो है वो टूटा है? अमूमन अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इतना टेम्परेचर यहाँ पर हाई कभी गया नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो जिस प्रकार से शहरों में अब आबादी लगातार बढ़ती जा रही है उसको लेकर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि कंक्रीट के जंगल के रूप में यहाँ पर कॉलोनियां बसती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो बढ़ोतरी टेम्परेचर की हो रही, 32, 33, 34 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर का भी टेम्परेचर जाता नहीं था, लेकिन अब जो है जो इस भविष्य में जो देखने को मिल रहा है, वर्तमान में जो देखने को मिल रहा है वो लगभग 42 डिग्री 40 डिग्री इस तरह के टेम्परेचर दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। गर्मी जिस प्रकार से देहरादून का मौसम होता था या पहाड़ों का मौसम होता था, उस मौसम में लोग गर्म क्षेत्रों से पहाड़ की ओर रुख करते थे और यहाँ पर आकर अपना समय बिताते थे, छुट्टियों को व्यतीत करते थे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ इस वक्त गर्मी पड़ रही है, लोग बाहर से आने वाले लोग खुद कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो हमारा शहर है, क्योंकि गर्मी का जो टेम्परेचर जो यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया वो 42.5 किया गया है, 40.2 किया गया। कहीं ना कहीं ये जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है ये आने वाले भविष्य के लिए खतरा तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये अपने आप में जो मौसम की फेहरिस्त हुआ करती थी, जो इस वक्त लोग मसूरी में समय बिताना पसंद करते थे या फिर देहरादून में समय बिताना पसंद करते थे, वो लोग कहीं ना कहीं इससे अब दूरी बना रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ